प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसका पूरा सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्रमांक 1 से लेकर 23 तक, मतलब क्वेश्चन क्रमांक 1 से लेकर 23 तक आपको संपूर्ण सॉल्यूशन मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी स्टार्ट होने वाली है कक्षा 11वीं विषय हिंदी, पेपर रहेगा आपका 80 नंबर का, उसके लिए आपको समय 3 घंटे मिलने वाला है। क्वेश्चन पेपर ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर दोस्तों, संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ इसका PDF और इसके आंसर भी आपको मिलेगा। PDF आपको कहाँ मिलने वाला है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम की लिंक कहाँ मिलेगी वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो सभी दोस्त वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्रमांक पहले से हम देखेंगे आंसर सहित। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा यदि अच्छे आपको मार्क्स प्राप्त करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। सभी निर्देश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। आपके 32% और 32 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 1 से 5 तक आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आपको 2 नंबर क्वेश्चन 6 से स्टार्ट होंगे आपके, तो 15 तक आपके 2 नंबर के चलेंगे। फिर 16 से 19 तक 3-3 नंबर के और 19 से 23 तक आपके 4 नंबर क्वेश्चन हैं। चलिए तो बिना देर के हम स्टार्ट करेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखना है। क्वेश्चन क्रमांक पहला, कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? तो कबीर दास जी ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? देखिए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी जितने भी 11 वाले दोस्त जुड़ रहे हैं अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो आपके पेपर में आने वाले हैं और यदि आपने नहीं पढ़े इनको तो ये आंसर आपके गलत हो जाएंगे। गलत नहीं होना चाहिए, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मीरा अपना सर्वस्व मानती है, तो मीराबाई जो है अपना सब कुछ किसे मानती है? वो मानती है कृष्ण को। लिखते चलें, स्क्रीनशॉट लेना जिसको स्क्रीनशॉट ले लें। जिनको PDF चाहिए वो PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, उसके लिंक हम आपको बता देंगे कहां पर मिलेगा या क्या नाम आपको सर्च करना है। लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन क्रमांक नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3rd है। कवि के पिता एक बार में दंड लगाते थे, तो कवि के जो पिताजी है वो एक बार में कितनी दंड लगाते थे? तो इसमें करेक्ट आंसर जल्दी से आप लगाइए। जितने भी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं अपने सभी 11वीं वाले दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। लाइव क्लास आपको रोज़ डेली मिलती रहती है। कक्षा 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं सभी क्लास के लिए हम अपडेट लाते हैं लाइव क्लास की, तो आप सभी दोस्त आगे भी मिलती रहे अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, तो अपने सभी दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिए। तो 260 इसमें करेक्ट आंसर होगा। चौपाई में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, तो चौपाई में प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती है वो होती है 16 16। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चंपा के पिताजी का जो नाम है वो है सुंदर उनका नाम है। और माधुर्य गुण में वर्णों की होती है, क्या होती है दोस्तों? कोमलता होती है। क्या लगा लोगे आंसर? कोमलता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए और ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे और आपके अब गलत नहीं जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने पढ़ लिया है। जितने भी लाइव क्लास में जो भी दोस्त हैं प्रत्येक प्रश्न का कमेंट करते रहें, लाइव चैट में कमेंट करते रहें, अपडेट आप हमेशा मिलती रहेगी। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है पेपर आपका स्टार्ट होने वाला है। खालिस्तान दोस्तों अब देखेंगे, खालिस्तान पहला देखेंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, पहला वाला खालिस्तान आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जागती थी। करेक्ट आंसर आप खालिस्तान में क्या लगाएंगे? जीभ दांत छोटी आंत, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीभ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मियां नसरुद्दीन किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, तो इसमें आप लगाएंगे 56 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर की भांति नचाया, किसकी? पानी की बूंदों की भांति। और भारत शब्द भाषा का है, यह गुरुमुखी भाषा का है। धनराम दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। तीसरे और एकांकी अंक की विदा है, ठीक है, तो एकांकी एक अंक की विदा है। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को दाल भात ने खिलाया था,
किसने खिलाया था दोस्तों? तो इसमें सभी विद्यार्थी जितने भी हमारे देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। कक्षा 11वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि हमें पता चल सके। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, चपरासी ने, डॉक्टर ने, माली ने, किसने खिलाया था, तो ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देंगे ताकि हमें पता चल सके कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो स्टडी कर रहे हैं। और इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में आपको तुरंत सेंड करूंगा, जो भी विद्यार्थी है जो भी पूछेगा तुरंत आपको आंसर मिलेगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, जिसमें हम जोड़ी देखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इनको कहा जाता है अलंकार काव्य की आत्मा, और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहा जाता है, अलंकार। और जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो उसे कहते हैं विरोधाभास अलंकार। व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार होते हैं 6, और काव्यानंद को कहा जाता है रस, और समास सॉरी यहाँ पर माइनस करिएगा, व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार शाब्दी एवं आरती, और काव्यानंद को कहा जाता है रस, और समास के भेद होते हैं 6। ये था वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तीसरा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भक्ति काल लिखिएगा, इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें क्या लगाओगे, 3। श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण पाया जाता है, तो इसमें जो पाया जाता है दोस्तों वो माधुर्य गुण पाया जाता है। कौन सा गुण, माधुर्य गुण। और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन से, तो राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि है वो है तुलसीदास आपके करेक्ट आंसर इसमें होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, देखिएगा अगला क्वेश्चन। समस्त रसों और रचनाओं में जो चित्त को सूखे ईंधन में अग्नि के समान शीघ्र व्यक्त करे वो प्रसाद गुण है, ये वाक्य किस साहित्यकार का है, तो इसमें लिखेंगे आप विश्वनाथ का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि कौन है, तो इसमें क्या आएगा, कबीरदास। करेक्ट आंसर कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचनाकार का नाम क्या है, तो रामचरितमानस के जो रचनाकार हैं उनका नाम है दोस्तों तुलसीदास उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास उनका करेक्ट नाम हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अगले को, सत्यफत्य देखिएगा, लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, तो ये असत्य है। जिसमें मैं कट लगाऊंगा उसमें आपके लिखोगे असत्य लिखोगे। भारतीय संगीत शास्त्र का मुख्य वाद्य सितार रहा है, जी नहीं रहा है। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग चिलवांजी अथवा चेजारो कहलाते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। साहित्य संगीत कला से विहीन मनुष्य साक्षात बिना पूंछ के पशु के समान होता है, सत्य। अग्नि का पर्यायवाची कृषाणु है, सत्य। 9-11 होना का अर्थ वापिस होना है, असत्य ये, ठीक है। तो ये आपके क्या हो चुके हैं, सत्यफत्य हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। 1 से लेकर 23 तक आपका जो पेपर था, 1 से लेकर 5 तक हमने आपको सॉल्यूशन के साथ बता दिया है। अब आपको 6 से लेकर 23 तक का टेलीग्राम पर आंसर सहित हम सेंड करने वाले हैं। टेलीग्राम की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर पूरा PDF आंसर सहित आपको मिलने वाला है 6 से 23 तक वहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को ये भी आप बताइएगा, और इस वीडियो में देखने वाले जो दोस्त हमारे इनका नाम क्या है सभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। जो लाइव जुड़ रहे हैं वो तो बता ही देंगे, लेकिन जो नहीं जुड़ रहे हैं वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।